हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लिए 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, ठीक है, जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, अगर वो आपसे बात करते तो क्या बात करते, ठीक है। ऐसे मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ अपलोड करी है जो कि आप लोगों को पसंद भी आई थी। तो यस, डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक सुनिए, आपको बस सुनना है। आप सुनते वक्त चाहो तो आंखें भी बंद कर सकते हो, जिससे कि आपको ट्रूली ऐसा फील होगा कि आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा सुनने में, आपको फील होगा कि बहुत दिनों के बाद आपके पार्टनर जो है आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, रीडिंग को एंड तक देखें, एंजॉय करें, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ट्राई करें, आपको एंड तक देखना है वीडियो को, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो क्या बात करते, ट्रू मैसेजेस दे हमें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अगर इस वक्त इनसे बात करते तो इनसे क्या बात करते, हमें ट्रू मैसेजेस दे। टावर भी आ गया पहला कार्ड, डेफिनेटली मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। आपको बस अब चाहो तो मैंने बोला है, वैसे आप चाहो तो मैंने आपको बताया है, आपको आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है। आंखें बंद करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी इसको सुनने में, ठीक है। और अब मैं लड़की हूँ तो मैं किसी लड़की को, जैसे कि अगर आप कोई लड़की हो, ठीक है, तो आपका लड़का पार्टनर है वो आपसे कैसे बात करेगा, वो मैं वैसे ही बात करूँगी, राइट। मतलब मैं लड़की हूँ तो मैं अभी लड़की कैसे बात करेगी वो तो नहीं बोल सकती ना, तो लड़का कैसे बात करेगा मैं वही बोलूँगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लड़की हो तो आप लड़कों के लिए क्यों बोल रहे हो, आप लड़की के लिए बोलो। तो मैं लड़की का कैसे बोल सकती हूँ, जो मैं फील करूँगी मैं वही बोलूँगी। तो मैं लड़का क्या बोलेगा, मतलब अगर आपकी जगह पे होती तो आपका पार्टनर, मतलब मेरा पार्टनर मुझसे क्या कहता, मैं ऐसे ही बात करूँगी कि वो इस तरह से सोचता, ठीक है। तो जो कार्ड्स आते हैं उससे जो फील होता है वैसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो आपको बस आँखें बंद करके सुनना है जो मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे बॉटम में है द चैरियट। अब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे पहला ये हमारा बॉटम ही बता देता है आपको कि आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ला चुके हैं, ठीक है। जो वो थर्ड पार्टी ऐसी है कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, मतलब उन्होंने खुद आके तकलीफ नहीं दी है लेकिन उनके आने के बाद आपको तकलीफ बहुत हुई है, आपका हार्ट बहुत पेन किया है, आप बहुत रोए हुए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको वो टावर मोमेंट आपके पार्टनर ने जो है लाके आपके सामने खड़ा कर दिया था, जिससे कि आप बहुत रोए थे, बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत रातों तक आप सोए नहीं हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप के एनर्जीज हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर जो स्ट्रांगली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरिजियो सजिटेरस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, ठीक है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो सारे के सारे ही साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, नंबर 7, 1, 2, 4, 3, 6, 6 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, 7 में आपको शायद एंजल नंबर दिख रहा हो, ठीक है। तो अब आपको करनी है आंखें बंद, ताकि मैं रीड करूँगी, आपको इस तरह से सुनना है कि आपका पार्टनर आपसे इस वक्त बात कर रहा है, ठीक है। इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते तो वो कहते मुझे सच में माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने तुझे इतना रुलाया, इतनी तकलीफ दी, मुझे फील होता है कि तू बहुत रोई है मेरे लिए, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है, मैं भी बहुत रोया हूँ, मुझे पता है इस रिलेशनशिप में हमने कितना एक दूसरे के लिए किया है, कितना प्यार हमने अनकंडीशनल लव किया है, कभी तूने मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं की थी किसी चीज़ की, और मैंने भी कभी नहीं रखी थी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को चाहा था इस रिलेशनशिप में। पता नहीं क्यों, किस तरह से मेरा दिमाग ऐसे काम कर गया, क्यों उस टाइम पर मैं तेरे बारे में नहीं सोच सका, नहीं समझ में आ रहा, बहुत रोया था मैं, मुझे तकलीफ़ भी बहुत हुई थी जब मैंने तुझसे मूव ऑन किया था, तुझे छोड़ के गया था, मेरा दिल नहीं मानता था तुझे छोड़ने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को घर वालों के सामने रखने की कोशिश की थी, समझाने की उनको कोशिश की थी कि मैं नहीं छोड़ सकता उसे, मुझे जाना है, मुझे उसी से शादी करनी है, लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं माना, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा पागल बना दिया, उनकी बातें मेरे सर पे इतने डाल दी कि मैं
मजबूर हो गया और मुझे उससे शादी करनी पड़ी और तुझसे मूव ऑन करना पड़ा, लेकिन तुझे नहीं पता मैं तब से लेके आज तक सिर्फ तेरे ही बारे में सोच रहा हूँ। कभी भी तुझे नहीं भूला, एक पल के लिए मेरे तू जैसे भी है, तू जैसी थी मेरी आँखों में जब हमने एक दूसरे से झगड़ा किया था, तूने मुझे इतना उल्टा सीधा बोला था, लेकिन तू जैसे दिख रही थी उस दिन वैसे ही तू आज भी मेरी आँखों में है, हर वक्त वैसे ही चलती रहती है। मैं नहीं भूला हूँ तुझे और कभी भूल भी नहीं सकता, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कभी भी तुझे नहीं भूल सकता। तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं 100% तेरे पास आने वाला हूँ और ये पता है मुझे कि तुझे भी ये पता है कि मैं तेरे पास आऊँगा। मैं इस रिश्ते को बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस एक बार मुझे घर वालों को मैं किस तरह से समझाऊँ इसके लिए मेरे एक बार मेरे घर वालों को मैं समझा लूँ, तेरे लिए तैयार करूँ, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो तुझे पता है मैं उनके साथ भी अन्याय नहीं कर सकता, मुझे उनको भी सेफ रखना है और तेरे साथ भी रिश्ता स्टार्ट करना है और ये मैं करूँगा, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। इस वक्त मैं ज़रा सा कंफ्यूज हूँ, शायद मेरे घर वाले अभी नहीं मानेंगे, शायद अब तक वो तुझे लेके इतने सीरियस नहीं है या फिर उनको मेरी सीरियसनेस का पता नहीं है। एक बार जब मैं उनको दिखाऊँगा कि मैं नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं तेरे ही पास आऊँगा, शायद उस वक्त वो मान ले। बस एक बार मेरा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाने दे, मैं तेरे लिए बहुत दिल से ट्राई कर रहा हूँ, एक बार मेरे घर वालों को मना लूँ, एक बार उनको ठीक से समझा दूँ, इस रिश्ते को मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूँगा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तुझे याद रखना है तुझे मुआन नहीं करना है, तू हर वक्त हर पल तू मेरे आँखों के सामने चलती रहती है, तुझे ये याद रखना है, तुझे मैं कभी भी नहीं भूल सकता, तुझे याद रखना है। तेरे पास आके मुझे बहुत सारी बातें कहनी हैं, बहुत, शायद तुझे पता भी नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन तुम मुझसे उम्मीद कर रही है और जो आधा अधूरे बातें तूने उस वक्त मेरी सुनी थी उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, सारी बातें आगे तुझे बताना चाहता हूँ, तू बस मेरा इंतज़ार कर, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे आऊँ, कैसे इस रिश्ते को स्टार्ट करूँ। एक बार मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी बात ज़रूर सुनेगा, क्योंकि भगवान को पता है मेरी नीयत तेरे लिए कभी भी गलत नहीं थी, उस टाइम पे भी नहीं और आज भी नहीं, और ये भगवान को भी पता है, इसलिए भगवान मुझे हमेशा तेरी याद दिलाता है कि कोई है जो तेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो तेरा राह देख रहा है, तुझे उसके पास जाना है, और इसलिए बार बार तू मेरे माइंड में चलती है। मुझे पता है हम दोनों का रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, किसी के लिए मुझे इतना अट्रैक्शन कभी फील नहीं हुआ, कोई मुझे इतना कभी याद नहीं आया, तू क्यों आती है? मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं कितना भी काम में अपने आप को व्यस्त रखूँ, दिन भर काम करूँ, लेकिन फिर भी तू कंटिन्यू मेरे माइंड में चलती है। ज़रूर हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, पास्ट लाइफ एंड ऑल मुझे सब मजाक लगता था, लेकिन जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है और जब से मैं तुझसे दूर हुआ हूँ तब मुझे पता चला कि तुझसे दूर भागने के बावजूद, मतलब मैं दुनिया में कहीं पे भी चला जाऊँ, कहीं पे भी मैं तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, तुझसे दूर जाने के लिए शायद मुझे मरना ही होगा, क्योंकि जीते जी तो ये पॉसिबल है नहीं कि मैं तुझे भुला कर अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ, क्योंकि सिर्फ मैं जगह चेंज कर दूँ, कहीं भी दुनिया में किसी और कंट्री में चला जाऊँ, बस यही एक चीज़ नहीं है कि जिससे तू मेरे माइंड से चली जाए, क्योंकि तू मेरे दिल और दिमाग में घर कर चुकी है, वो घर तूने हमेशा के लिए बना लिया है और वो घर हमेशा, मतलब तू मेरे दिल में दिमाग में हमेशा, मैं जहाँ पर भी जाऊँगी तू वही, मैं जहाँ पर भी जाऊँगा तू मेरे साथ हमेशा ही जाएगी, ये मैं समझ चुका हूँ कि मैं किससे भाग रहा हूँ, मैं मेरे अंदर, मैं मेरे दिल से, मेरे खुद के दिमाग से, खुद के एनर्जी से मैं तुझसे कैसे भाग सकता हूँ, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये अब मुझे पता चल चुका है, इसलिए बस तू मुझ पर भरोसा रख, बहुत जल्दी मैं आके इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करूँगा, बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, अब मैं जिसको लेके आया हूँ उसका क्या होगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, बस तुझे मुझ पर भरोसा रखना है, मैं जो करूँगा हम दोनों के लिए अच्छा ही होगा और जिससे कि हमारी लाइफ आगे की हम एंड तक साथ में रहेंगे, जो मेरा प्लानिंग है वो मैं तुझे आके समझाने वाला हूँ, तू ये याद रख, मुझ पर भरोसा करके अगर तू मेरी बातें मानेगी तो ये रिश्ता हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैं आज कहता हूँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना नहीं जी सकता, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू।
वेट, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने के लिए। हमें कभी कोई भी नहीं अलग कर सकता, कोई भी नहीं। तो अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करते तो वो यही करते, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि यस ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके भी साथ जितने भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई है, मतलब जिसको जितना भी लगा कि यस ऐसा ही मेरा पार्टनर बोल सकता था, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिए, ठीक है, कितना पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुआ है एक्सप्लेन करके। और यस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड हमेशा सेंड करते रहें। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई करना है, डिटेल्स आपको वहाँ पे रेट से रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।